नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से नीलम बोध ब्लॉग्स और एमबी न्यूज 24x7 चैनल में। जी हाँ साथियों, मैं नीलम बोध और आज आपको लेकर आई हूँ हिमाचल की खूबसूरत वादियों में, हिमाचल प्रदेश। अब जिस तरह से मेरे पीछे बोर्ड देख पा रहे होंगे, उप निदेशक पशु स्वास्थ्य प्रजनन जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है साथियों, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे आप लद्दाख चले जाए, शिमला चले जाए, मनाली चले जाए, कुल्लू चले जाए, या फिर आप राजस्थान चले जाए, या कहीं भी देश के कोने में चले जाए, या फिर हिमाचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चले जाए, आपको एक महान मानव की मूर्ति हर जगह देखने को मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ मानव नहीं बल्कि उस महामानव की जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस भारत देश के लोग जिन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं। जी साथियों, ये बिल्कुल जो हिमाचल प्रदेश है कांगड़ा का जिला, मैंने अभी बताया जिस तरह से जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल चौक पे बीचों बीच बाबा साहब की ये स्टैचू लगी हुई है। और इस स्टैचू को लगवाने का कारण क्या है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने भारत देश का संविधान तमाम संघर्ष, समर्पण, बलिदान और तमाम कुर्बानियों के बाद लिखा, जिस तरह से बताया जाता है कि चार चार बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान कर दिया, तब जाकर भारत देश के लोगों को एक इतना विशाल महान ग्रंथ मिला जिसे कि हम भारत का संविधान कहते हैं। और साथियों, मैं पहले भी यहाँ पर आई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी होती है मुझसे रुखा नहीं जाता, और मेरी जिज्ञासा होती है कि जहाँ जहाँ इस भारत देश के कोने कोने में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी है, मैं आपको दिखाऊं कि देखिए बाबा साहब कितने महान थे, कितने महान थे। उनका जो त्याग था, जो समर्पण था, जो बलिदान था, शायद ही भारत देश में किसी अन्य नेता का रहा हो। लेकिन अगर बाबा साहब की बात करें तो साथियों, बाबा साहब इकलौते एक ऐसे नेता हैं इस भारत देश के जिनकी मूर्तियां आप हर राज्य में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो जिला स्तर की बात करूं मैं या स्टेट स्तर की बात, पता हर तरह से आपको बाबा साहब की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। और उससे पता चलता है कि बाबा साहब के मानने वाले लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग वहां पर भारी संख्या में रहते हैं। और साथ ही जो इस मूर्ति को लगवाने का काम यहां पर किया गया था वो भी बहुजन समाज के लोगों ने किया था। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो खैर बाबा साहब की डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1891 से लेके 1956। जिस तरह से बताया जाता है कि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब का देहांत हो गया था, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था, और ये वही डेट लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो बहुजन समाज के क्रांतिकारी लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में रहते हैं, उनके माध्यम से साथियों ये कई साल के संघर्ष के बाद में यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई। और ये रोड जो साथियों गया है, ये आपको हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आगे जोड़ता है। अभी वर्तमान में हम धर्मशाला से नीचे आए हैं और उससे आगे आपको मैक्लोडगंज मिलेगा, और मैक्लोडगंज में दलाई लामा जी का टेंपल है, और भी तमाम एडवेंचर की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी वहां पर है। अभी हम वहीं से होकर आए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर इस चौक पर लगाना वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं इस हिमाचल के लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों जब लोग इस चौक से गुजरते हैं, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, या फिर इधर से आए, फिर इधर से आए, मतलब चारों दिशाओं से आप किसी भी दिशा से आए हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो लगी दिखाई देगी। और साथ ही इसी के साथ साथ में जिस तरह से आप बाबा साहब का जो जय भीम का नीला झंडा है जिसमें की अशोक चक्र लगा हुआ है, बाबा साहब की तस्वीर है, वो भी आप देख पा रहे होंगे, तो वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। और सुखद अनुभूति के साथ साथ में गर्व भी होता है कि बाबा साहब एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पर आज बाबा साहब के लोग, बाबा साहब के अनुयायी उनकी जय जयकार करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, अगर विश्व के 5 बुद्धिजीवी लोगों में किसी की गिनती होती है तो उसमें से एक नाम परम पूज्य बाबा साहब का भी आता है, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बराक ओबामा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हमें उन्हें दुनिया का सूरज कहते। और इतना ही नहीं साथियों, आपको पता होगा जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जब उसका इतिहास खंगाला गया 300 साल का, कि यहाँ से पढ़ने वाले जो 300 साल तक बच्चे पढ़ कर गए, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी विद्यार्थी कौन था,
तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते साथियों उनके लिए गर्व की बात और खासकर भारत देश के लिए गर्व की बात है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब इतिहास खंगालती है तो वहां पर पहले नंबर पर साथियों परम पूज्य बाबा साहब का नाम आता है। और जब 100 लोगों की वहां पर लिस्ट निकाली गई, बताया जाता है, उसमें से 24-25 लोग ऐसे निकले जो किसी ना किसी देश के राष्ट्रपति बने, कुछ लोग ऐसे निकले जो बड़े बड़े उद्योगपति बने, कुछ लोग ऐसे निकले जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे। और उसमें से अगर पहली जो उपाधि दी है, क्योंकि बाबा साहब कोई साइंटिस्ट नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं बने और ना ही किसी तरह से बाबा साहब ने उद्योग के क्षेत्र में काम किया, लेकिन अगर हम पूरा निचोड़ देखें तो साथियों पहले नंबर पर प्रथम स्थान पर आने वाले परम पूज्य बाबा साहब ही है। और ये भारत देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप देखिए सीधा ये मंजर हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा से। और आपको भी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी राज्य में चले जाए, किसी भी जिले में चले जाए, किसी अन्य महान पुरुष की जो मूर्ति है वो नहीं मिलेगी। अगर मूर्ति मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की मिलेगी। Thank you.